गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत आनंद आप सबन के बिहाने बिहाने के अंगना में स्वागत करते हैं। और नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन सब कहते हुए हम विजया भारती भी रहुआ सबके स्वागत करता नहीं और हाथ जोड़ के कहता नहीं प्रणाम। एक बात भौजी हमके लागा था कि आज के समय में हमने के समाज में हालांकि पहले भी रहल, आज के समय में धोखा, झूठ, फरेब ये सब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई बा। हाँ, बढ़ तो गई बा देवर जी, लेकिन ये बात भी सही बा कि हमेशा जीत होला सच्चाई के। हाँ, ये बात माने सच के बा ना। हाँ, लेकिन परेशानी हो जाला भौजी, तब टाइम निकल जाला। परेशानी हो जाला तो ऐसन में का करे के चाहिए कि जे नादानी करे वाला आदमी बा ओकरा केहू समझावे वाला आदमी होके के चाहिए। ओकरा अपने आप वैसे जिंदगी में हर गलती से के फल से सबक मिलेला आज ना कल। थोड़ा देर खातिर आदमी के चकाचौंध लौकेला, लेकिन एकरा पर मैच करता हुआ बहुत अच्छा अच्छा गीत सब बा अपना देश में। हाँ, देश में बा और देश के साथ साथ अपना घर में भी बाटे, अपना आंगन में, अपना आंगन में बैठल एगो सुंदरी भौजाई के पास भी बाटे। हमके ये बात के पता बा, सुनाई का। हाँ, तो फिर सुनाइए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी चुप तमाशा देखे वाहरे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन जब बना दी तो चाहे कतनो दुख होके, चाहे कतनो गम होके, हमने के खुश रहम सा हमेशा। अंदर के सत्ता के मजबूत राखे के बाद तेकर बाहरी चोला यानी कि शरीर एकरा ठोस बनावल बहुत जरूरी बा जी। तो चलिए मिलजुल के कई आओ योग। बिहाने बिहाने देखे वाले सभी लोगों के हमारे एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार।
आज हम आपके बतावत हैं लोअर बैक जो कमर का पिछला हिस्सा होला उमन प्रॉब्लम होला कई बार ओके कहा जाला शाइटिका का प्रॉब्लम कैसे योग के सिंपल सिंपल आप लोग क्रिया करें और जिसे आपके लोगों के फायदा हुए ये क्रिया में आपके का करके होला बहुत सिंपल है पीठ के बल लेट जाएं पहली क्रिया हम बतावत हैं विधि पूर्वक की क्रिया अगर आप निरंतर अभ्यास करें तो आप देखें आपको बहुत प्रॉब्लम जड़ से दूर हो जाए काफ़ी हद तक उसके अलावा आप लोग कुछ खान पान बारे ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाए पहले का आपके करे के कहा सबसे पहले आप लोग पीठ के बल लेट जाएं दोनों जो पैर हो घुटने से मुड़े के चाहिए दोनों मुड़ जाइए दोनों हाथ रही हैं जो जमीन पर रही हैं उकरा हमके करे कहा जो ये पर्टिकुलर कमर का ये भाग है एक के हमके ऊपर उठाए के है सिंपल उठाए के अगर आप देखें हमारा हाथ अगर पूरा उठी एक आर्च बनी कुछ देर रुकें जितनी देर आप आसानी पूर्वक ये आर्च बना सके ना आप लोग के रुके के हुई उकरे बाद धीरे धीरे पुनः वापस आए ये जौन क्रिया हो आप लोगों के कम 10 बार एक निरंतर अभ्यास करे के हुई देखा एक बार फिर देखें आप लोग ये पर्टिकुलर जोन कमर का भाग है ना जोन पीठ का भाग है एक उठाए के हुई आप वापस आ गए ना फिर दोबारा पुनः क्रिया का अभ्यास करें ना उसके बाद दूसर क्रिया का करे के दूसरी क्रिया में पहली क्रिया जैसे अवस्था रही शरीर का पीठ के बल आप लेटे रही हैं बायां पैर आप लोगों का खड़ा रही स्ट्रेट रही दाएं पैर के आप का करिए धीरे धीरे घुटने से मोड़ के यथासंभव प्रयास करिए कि जौन हमारा घुटना है वो जमीन के टच करा था सिंपल उसके बाद बाएं पैर से करिए देखा आप लोग बाएं पैर से धीरे धीरे जौन घुटना हो जमीन के टच करी ये योग के सूक्ष्म क्रिया हाँ ये सब उसके बाद दूसरे पुनः कर अभ्यास करें ये जो क्रिया है एक निरंतर दोनों ओर से कम 5-5 बार दोनों ओर से कर अभ्यास करे के हुई उसके अलावा एक दूसरा जो वेरिएशन ओमन का करे के है आप दोनों पैर के फैला ली हैं बिल्कुल सीधा दाएं पैर घुटने से मोड़कर दाएं पैर घुटने से मोड़कर अपने बाएं पैर के घुटने रखी हैं दोनों हाथ परस्पर बिल्कुल सीधा फैले के हो रहे के चाहिए धीरे धीरे घुटना जमीन के टच करी और आप अपन दाहिनी ओर देख लो बाया घुटना दाएं ओर आप देखिए पुनः वापस आई हैं दूसरे पैर से क्रिया का अभ्यास करी है देखा मोड़ के रखना और आप लोग धीरे धीरे अब देखा हमारा गर्दन देखा चेहरा देखा और हमारा घुटना विपरीत हो गया ये क्रिया बहुत सिंपल क्रिया है हो के 5-5 बार दोनों ओर से आपके प्रयास करके चाहिए अभ्यास करके चाहिए उसके अलावा जो नेक्स्ट क्रिया है नेक्स्ट क्रिया में क्या करेगा इंटरलॉक करे के दाया पैर घुमा के ये देखा दाया पैर घुमा के इंटरलॉक कर ली दोनों हाथ परस्पर सीधा रही हैं और धीरे धीरे हमारा घुटना जमीन पे धीरे धीरे और हमारा गर्दन विपरीत दिशा में हो कुछ देर रुकिए जो श्वास की गति हुई वो सामान्य हुई उसके बाद वापस आई नहीं धीरे धीरे लेग का पोजीशन चेंज कहीं नहीं दूसरे पैर से इंटरलॉक कहीं नहीं और धीरे धीरे अपने पैर अंगूठे पैर को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके मैक्सिमम खिंचाव पड़ी ज्यादा से ज्यादा खिंचाव पड़ी लोअर बैक पे उसके बाद वापस आई नहीं धीरे धीरे दोनों ओर से 5-5 बार एक अभ्यास करे के हुई ती आपके हम योग की छोटी छोटी शुभ क्रियाएं बतौले हैं जिनकर आप लोग अभ्यास करी हैं तो आपके लोअर बैक का जो प्रॉब्लम हो पीठ के जो पिछले भाग का जो प्रॉब्लम हो धीरे धीरे वो दूर हो जाए कई बार ये भी देखल गया है कई बार वात के कारण आपके शरीर में गैस ज़्यादा सिक्रेशन होला वह करके कई बार देखल जाला कि बैक का प्रॉब्लम हो जाला आपके का करे का निरंतर रोज प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट 2 लहसुन के कली रोज आपके सेवन करे के ऐसा भोजन जो गैस का सिक्रेशन ज़्यादा करेला दाल अरहर का दाल हो गल हो राजमा चना एक परित्याग करें जल का ज़्यादा सेवन करें तो ही हम आपके बताने हैं कुछ किस प्रकार से योग के कुछ आसन साइट का जैसे रोग वास्ते रामबाण का काम करें ना अगले प्रोग्राम में हमारे फिर आपसे मुलाकात हुई तब तक के हमके इजाज़त दें नमस्कार।
योग संपन्न हो गए दर्शक लोग, और फिर से बताएं आप लोग कि हमने के बीच में अभी फिर से गीत संगीत के माहौल बने वाला बा, और ओमे आज के अतिथि भौजी के हिसाब से का कहल जाओ। आज के अतिथि कलाकार के नाम बा मिथुन महुआ, जे की एक नया नवोदित कलाकार बानी, जिनकर सीडी यहाँ आए रहे तो हिसाब से हमने के उनके यहाँ गावे खातिर बोलोले बानी, तो उनकर गीत संगीत रहुआ सब सुनी। पहला शुरुआ राउर चाहे मोरी मैया, अता हरो लार प्यार हमके, अरे चाहे मोर भैया, अरे जब ले माई दया न करी हे, अरे जब ले माई दया न करी हे, अरे का करी हे गुल में, अरे जब ले माई दया न करी हे, का करी हे गुल में, अरे माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, जब लह माई दया न करी है, हो जब लह माई दया न करी है, का करी है गुर में, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, बचावह मैया अकाल आयल, भक्तन के मुश्किल भल जियल खायल, बचावह मैया अकाल आयल, भक्तन के मुश्किल भल जियल खायल, हरियाली लादा सुखार मिटादा, अंबर से मैया अमृत बरसादा, बाढ़ सुखार से तू ही बचैबू, हो बाढ़ सुखार से तू ही बचैबू, का करी है गुर में, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, जब ले माई दया न करी है, हो माई दया न करी है, का करी है गुर में, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने, माई हपर माने दुर्गे माई हपर माने। बाजी बाजी बा दर्शक लो, आज हमने के बीच में जे हीरो वाला स्टाइल में जो लड़का बैठल बढ़े, जी हाँ, आप ही लोग के बीच से ढेर सारा सीडी आए दिन आवत रहला, वो में से एक लड़का के बोले मैंने सिंह का नाम बाटे मिथुन महुआ। मिथुन महुआ जी कहाँ से आयल बानी, आप बताइए अपना दर्शक लोग के। भैया भौजी लोग के प्रणाम बा, भैया हम बक्सर जिला से बानी। अच्छा एक बात बताओ मिथुन की, ये आपके नाम किनकर रखल बा, मिथुन भी हीरो के नाम बा, ओकरा साथ ही महुआ टाइटल किनकर रखल बा, ओरिजिनल नाम का बा? भौजी ऐसा बात बा की बचपन में जब हमारे जन्म भेल रहे तो हमारा कुछ याद नहीं है, मगर हाँ मम्मी पापा लोग बतायलन की जब तुहार जन्म भेल रहे तार आँख बच्चे में नशीला टाइप के रहे। और मिथुन? हाँ मिथुन अपने से बस यही तरह घर में सब कोई अच्छा लगल मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती रोज ये ढेर सारा सीडी हमने के लगा वाला, उनमें से एक सीडी उठा के आज हमने के कलाकार के बोले मैंने सा मिथुन महुआ के। तो आपके घर में के बाटे, पहले परिवार में कितना सदस्य भाई बताएं? अभी परिवार में भैया बारे, भौजी बारे, माई बाबू बारे, और एगो विजय भाई बा हमर छोट, मगर हमरो लोग बड़ हो गए देखे में, और एगो भाई हमारे राइटर बारन प्रेमा गुलजार। अच्छा। सारा गीत वही देलन।
अच्छा। पापा भी मिलके विनोद गुप्ता वरन अच्छा। मिलके सब कंपोजिंग अपने से करके गीत भी देलन। अच्छा क्या बात है। तो चलो गीत के जब बात की ला तो भौजी के हमरा विचार का एकदम सही बात। ठीक बात है। दर्शक लोग भी विचार बा और हमनियों को विचार बा कि एक गाना भी हो जाओ। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू हो। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू। संग जिए है मर के हाय वादा भुला गहलू। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू हो। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू। रहलू साथे हम जिंदगी बिताइब कुछ भी हो जाए ना तोहके भुलाइब। ई बचपन के बतिया तू मत जा भुला के। दिल से हमार नाम मत जा मिटा के। तरपक महू वह के हाय मेहंदी रचा लिहलू। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू हो। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू। संग जिए है मर के हाय वादा भुला गहलू। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू हो। हमसे लगा हा कहे दिल हाय कैसन दगा दिहलू। कैसन दगा दिहलू कैसन दगा दिहलू कैसन दगा दिहलू। वाह 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 जादूगर वाह बा जादूगर बा। तब ऐसा बात बा दर्शक लोग कि अब जोन बा मन के हाल ई बा उ कहता कि घूमे फिरे जाए के निके काज चला कहीं घुमाओ हमरा के। ठीक बा दर्शक लोग रोवा सब अगर तैयार बानी तो आई हमने के मिलजुल के चला जाओ यात्रा पर। राजस्थान के एगो ऐतिहासिक नगर हो जोधपुर। राजपूती शानो शौकत के गवाह रहल हो ई नगर। देश विदेश के पर्यटकन के सदियन से आपन उरी खींचत आ रहल बा। एंजा स्थापित किला और हवेली आपन स्थापत्य कला खातिर सौंसे संसार में मशहूर बा। यह जसवंत थाड़ा जोधपुर के एगो खूबसूरत स्मारक। एके
जोधपुर के 33वें राठौर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के याद में बनावल गयल रहे। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र महाराजा सरदार सिंह अपन पिता के अमर बनावे खातिर ए शानदार इमारत के कीमती संगमरमर से बनौले रहलन। आज भी एकर चमक ऐसने बा जैसन की अपन शैशवकाल में रहल हुई। जसवंत सिंह द्वितीय के याद में बनल ई स्मारक राजपूती शानो शौकत और स्थापत्य कला के एगो नायाब नमूना हो। इमारत के खूबसूरत बनावे खातिर कई गो गुंबदनुमा बुर्ज बनावल गईल बा। एकर अलावा सौसे इमारत में संगमरमर के कैल गए नक्काशी कारीगरन के कुशलता के सबूत हो। स्मारक के अंदर महाराजा के फोटो लगावल गेल बा। एकर अलावा राज परिवार के कई सदस्यन के तस्वीर भी लगावल गेल बा। स्मारक के अंदर मंदिर जैसन माहौल बनल रहेला, एजे श्रद्धालु आपन श्रद्धा सुमन अर्पित करेले। जसवंत थाड़ा के मुख्य स्मारक के पास ही राजघराना से जुड़ल कई लोगन के स्मारक बनावल गईल बा। ऐसे तो ये स्मारक ज्यादा बढ़ना हो, लेकिन एह पर कैल गेल संगमरमर के काम ताजमहल के याद दिलावेला। जसवंत थाड़ा के पास ही एगो सुंदर झील बा। एह झील में पौरत प्रवासी पक्षी भी एंजा आवे वाला पर्यटकन के आपन उरी आकृष्ट करेले। जसवंत थाड़ा स्मारक आपन वास्तुकला और संगमरमर के कलात्मक कार्य के कारण सौसे दुनिया में मशहूर बा। एके देखे खातिर देश विदेश से पर्यटक आवेले। यात्रा से वापसी और दर्शक लोग एक बात रोवे लोग का पता बा नहीं पता का उ तो तारा पते बटे का जे चूड़ी के दुकान पर अजुराई रेलु हऊ का कि 8 रुपया देहम ऊ 12 रुपया मांगा थला झूठ 4 रुपया खाते इतना झगड़ा बाप हो बा भगवान बाप हो बाप ऊ में मिथुना के सामने और हंसा तला जे अजीत भाई दार भौजी लड़ेली का हो। हाँ यही बात पर फिर से हम कहब हमरा नैहर के वो कहावत बा कि लुच्चा मारलक बेग नानो पसेरी के किटिंग। बस आगे तो आप लोग समझदार बानी। आप म्यूजिक कहीं सीखा था नहीं? हाँ म्यूजिक तो हमारे खुद कहबे कहीं शुरू में ही पापा ही गुरु बारन हमारे विनोद गुप्ता वो उनके लिए म्यूजिक सीखेला। अच्छा। जहाँ गलती होला बतायलन बहुत अच्छा लगेला। अच्छा। पापा बतायलन और बढ़िया हमरा लगेला। दर्शक लो अभी ऐसा मस्ती आला हमने के बातचीत करम सा और आज हमने के बीच में एक कलाकार बनी बिल्कुल नवोदित यहाँ का नाम बाटे मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती ना, ना, ना। मिथुन महुआ। मिथुन एक चीज हमने के तू बताओ कि अभी का आगे के का इरादा बटे आगे का करे के बाद कौन तरीका से तैयारी करत रहा? बस गायक अच्छा गायक बन के बस पहुंचल चाहते हम वही जगह पे जितने मनोज तिवारी भैया वाला हमने के यार एकदम फ्यूचर टच बा कर एकदम बिल्कुल। और फ्यूचर के जब बात भइल भविष्य के बात भइल तो चले हमने के पंडित जी सामने आ गेल बानी तो दिन भर के हाल चाल जानल जाओ अपन कार्यक्रम ग्रह गोचर में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक लो आप लोगों में से एक लड़का हमने के बीच में बिहार में कुर्सी पर मिथुन महुआ। और मिथुन महुआ से अब ये पूछे के चाहता नहीं कि अभी तक मतलब गायकी के शौक जन बा जब प्रोफेशनली रास्ता पर आ गई बा कि अभी का उपलब्धि भइल बा कैसेट वगैरह कुछ? हाँ अभी मार्केट में हमर कैसेट आयल बा दूसरा कैसेट। अच्छा जेकर नाम बा गाड़ी बिया बिजोर।
गाड़ी बिया बिजो जी। और एक पहले कौन कैसेट आये रहे? एक पहले हमारे कैसेट आये रहे, बहुत प्यार भी मिलल बाबू कैसेट के, जेकर जैसे दुनिया में सब कुछ टेम्पोरेरी बा, हमने के जे है माई है परमानेंट, तो यही कैसेट के नाम रहे माई है परमानेंट। कुछ अगर कहे के इच्छा बा तो बताओ, अपना दर्शक लोग के कुछ कहे के चाहत रहा चाहे हमनी से? अपन पूरा भोजपुरी दर्शक के हम यही कहल चाहम कि मेहनत लगन ऊ चीज है, यदि करत रही रहुआ कंटिन्यू तो ऊ रंग ला दी जोन रहुआ सोच के रखले बानी। अच्छा। जैसे हम सोचले रहनी कि हमारे अजीत भैया है हमार भौजी कब मिलम हमारा पहचानियन के ना, मगर यहाँ आके मजा आ गई, बहुत मजा आई। बहुत मजा कैसे लागल बिहाने बिहाने करना में? अरे बहुत मजा आई, अब क्या बताई, इतना मजा आई कि जाए के मन नखे करत। आज हमने के बीच में एगो हीरो साहब आइल बनी। हीरो साहब जी, मिथुन चक्रवर्ती ना, मिथुन महुआ। मिथुन दादा के अब हमने के ई कहब कि मिथुन दादा एगो गीत और हो जाए, कोनो सपना अपना आंख में बा मन में बात अपना दर्शक लोग के सुना दो। आँख में सपन वाले के होठवा बलाली, हमरा घरे आई है, हो हो हो, हमरा घरे आई है हमार घर वाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली। आँख में सपन वाले के होठवा बलाली, आँख में सपन वाले के होठवा बलाली, हमरा घरे आई है, ओ हो हो, हमरा घरे आई है हमार घर वाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली। सुतबू तू रात के तो पैर हम दबाइम, बेलना से मरबू तो मुँह ना चुराइम, बेलना से मरबू तो मुँह ना चुराइम, लात जूता खाइम तोहर सुनम हम गारी, लात जूता खाइम तोहर सुनम हम गारी, हमरा घरे आई है, हो हो हो, हमरा घरे आई है हमार घर वाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली। आँख में सपन वाले के होठवा पलाली, आँख में सपन वाले के होठवा पलाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली, हमरा घरे आई है हमार घर वाली। वाह 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 मिथुन, हमरा घरे ही है हमार घर वाली है। हीरो वाला गाना रहे और दर्शक लोग इस कलाकार के चाही सबके आशीर्वाद, और यह ना इनका लेखा जे भी अपना माटी के उभरता सब कलाकार सब बानी, जिनका आंख में सपना बा और खाटी गांव से निकल के शहर की ओर जिनकर एकदम चल पड़ल बा सफर, तो ऐसा सबके आपके आशीर्वाद चाहिए और एक कामना के साथ अब का मिथुन के का कहेंगे? बिल्कुल मिथुन, अब वक्त हो गए बाकी तारा के हमने के विदा ना चाहते हुए भी करम सा, लेकिन अगला बार आवे के हमने को उम्मीद रखते हैं से तू आई बा आज ए लखत। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद और प्रणाम, नमस्कार। जी हाँ दर्शक लो, आज का अतिथि हमने करनी है मिथुन महुआ जी, और दर्शक लो आप लोगन खाते हमने के बिहानी बहने की तरफ से नुस्खा। अगर छोटा बच्चा लोग के पेट में कीड़ा हो जाए तो काला जीरा के चूर्ण के शहद के साथ मिला के चटैला से कीड़ा मर जाला। लेकिन एकरा ठीक से तनी बताओ भैया, हमरा का और काय ध्यान दे तरुत ना, तहरा पर हमर ध्यान हमेशा रहला देवर जी, हर एक मिनट के बाद चला तो अगर हमरा पर तहार ध्यान बा तो ई मत जने के खाली तहरे ध्यान हमरा पर बा। अच्छा। हमरा दर्शक लोग के भी ध्यान बटे तहरा पर जी और तहरो पर बटे। अच्छा। देखे प्रेषक जय नारायण दुबे, पुरानी सीमापुरी दिल्ली 95। अच्छा अच्छा। लिखा था यहाँ के, मैं जय नारायण दुबे अजीत जी विजया भारती जी को नमस्कार। अजय नारायण जी आपके भी हमने की तरफ से नमस्कार।
मैं बिहाने मैंने कार्यक्रम डेली सुबह 7:30 बजे देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे जॉब करता हूँ लेकिन मुझे गाने का शौक बहुत है, मैं गाता भी अच्छा हूँ। हमारे गांव वाले कहते हैं कि तुम कोई प्रोग्राम में जाओ, अच्छा। लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। अच्छा। वैसे तो हम आपके पवित्र आंगन में गाने का बहुत शौक रखते हैं, मन में है, और मेरा कोई कैसेट नहीं है, लेकिन प्लीज आप लोग अगर कृपा होगी तो मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा और गाना सुनाऊंगा। जय नारायण दुबे जी, आपके भावना के हमने के कद्र करता नहीं, आपके मन के सपना के और आपके पत्र के भी कद्र करते हुए वेलकम बा। लेकिन एक बात आप जरा स्पष्ट रूप से और बताएं कि गायकी के बारे में आपके कुछ अनुभव बा, कुछ कहीं गावे के प्रोग्राम करे के ओकरा थोड़ा विस्तार से लिख के बताएं, और अपन आवाज में 2 गीत कम से कम पूरा साज बाज के साथ, जेकरा में ई पता लगे कि टेक्निकली हर तरह से वो गायकी के अंदाज और सब कुछ ठीक ठाक बा, भेजी ओकरा बाद ओकरा पर कुछ बात हुई का। ठीक, बिल्कुल ठीक कह लो भाई। मुझे भूखू लगी है, मुझे भूखू लगी है, भूखू लगी है मुझे। कब भूखू नहीं लगती है, मुझे भूखू लगी है, हमेशा भूखू लगी है। छोटा बच्चा भी इनका से बढ़िया से रहला खाए पिए के मामला में, हमसे ज्यादा लोकेशवा खाता है, ज्यादा हमसे खाता है, दिन में 10 बार खाता है लोकेश। ये लोकेश, लोकेश भोला जी का जो छोटा बच्चा है, इतना छोटा जो आया था एक बार गाने के लिए, वो कहां वो लोकेश और कहां ये बूढ़ा बेलमुंडा, दोनों जमीन आसमान के फर्क बा। हम भी छोटे हैं भौजी। अच्छा छोटे हैं। दर्शक लोग अब 8:30 बजते बजते हमरा घर में 2-4 किलो चावल हंडा में एक आदमी खातिर, दाल भात चोखा तो कम से कम चाहिए ही, तो ये चलते रउआ सबसे इजाजत मांगता नहीं, तो कल 7:30 बजे मुलाकात करे के वादा के साथ हम विजया भारती के तरफ से और हम अजीत आनंद के तरफ से रउआ लोग के प्रणाम।